तो इतनी मेहनत के बाद बना है तो खाना तो बनता है खा के भी देखते हैं खाया। मुझे नहीं खिला। पूरा ऐसा लग रहा है कि रस मलाई खा रही हूँ बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनके तैयार हुआ बेटे को भी खिला देते हैं आ, 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 क्योंकि आ, उनको खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है हाँ 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 लो गुड मॉर्निंग फ्रेंड जय श्री महाकाल जी और आ, आज थोड़ी फेस में स्वेह सी आ गई है आज ना थोड़ी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई अच्छे से सो नहीं पाई इस वजह से हुआ है और अभी बनाने जा रही थी बहुत बढ़िया सा बच्चों का नाश्ता वगैरह तो हो गया है तो बच्चों को कुछ ठंडा ठंडा बढ़िया बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है मैंने सोचा चलो बनाते हैं कुछ नया आजकल एक इंटरनेट पे बड़ी रेसिपी वायरल चल रही है तो मैंने सोचा मैं भी बना के देखती हूँ कैसी लगती है वो तो चलिए जी बनाते हैं मस्त मस्त लगेगी और एक तरह से मिल्क केक भी कह सकते हैं इसको और बहुत ही बढ़िया था बढ़िया सा डेज़र्ट है ये और खाने में बड़ा गजब लगता है खासकर मैंने देखा था ईद के समय काफ़ी ज़्यादा ये आ, रेसिपी वायरल हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी बना के देखती हूँ मलाई जैसा भी लगता है कई लोग इसे रस मलाई ब्रेड वाली रस मलाई भी बोलते हैं तो अलग अलग नामों से बोला जाता है और हम भी बना करके देखते हैं कैसा लगता है मैं भी फर्स्ट टाइम खाऊंगी और सोचा चलो आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं तो मेरे पास अभी काफ़ी सारा दूध भी था तो यहाँ तीन लीटर दूध आज मैंने गर्म करने के लिए चढ़ाया है आज का दो एक लीटर था ही और पिछला भी पड़ा हुआ था पैकेट तो सारा का सारा गर्म करने के लिए और कुछ दूध बचा भी लिए ठंडा रखा है तो चलिए बनाना तो यहाँ सबसे पहले मैंने दूध ले लिया जो दूध चढ़ाया था तो उसी में से आधा लीटर दूध ले लिया है ये फुल क्रीम दूध है मेरे घर में फुल क्रीम दूध आता है क्योंकि मैं घी वगैरह भी बनाती हूँ तो बस मलाई हटा लेती हूँ और फिर नॉर्मल पी लेते हैं हम दूध और जो मलाई हटाते हैं उसका अच्छे से हमारे घर में घी बन जाता है तो यहाँ दूध को चढ़ा दिया है ये धीरे धीरे गर्म होगा और इसके बाद मैंने यहाँ पे इलायची ले ली है और इसका छिलका हटा देंगे बस इलायची के बीज यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से बारीक बारीक मैंने पीस दिया है इसी में और बढ़िया सा बारीक बारीक सा पाउडर बना लिया है और बस यहाँ दूध में उबाल आने लगा है अब दूसरी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे इसकी तो इसमें डाल दिया है शक्कर तो शक्कर मैंने यहाँ बड़ी सी चम्मच में चार चम्मच डाला है और आप अपने मीठे के हिसाब से आपको मीठा कितना पसंद है उस हिसाब से भी डाल सकते हैं और अच्छे से चीनी घुल रही है इधर और इधर मैंने कच्चा दूध ले लिया है थोड़ा सा बचा लिया था सारा का सारा मैंने उबालने को नहीं रखा था और यहाँ पे मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर वेरीला फ्लेवर का और इसे भी डाल लिया है तो थोड़ा मैंने पैकेट से डायरेक्ट डालने की कोशिश कर रही थी पर अच्छे से निकल नहीं रहा था इसलिए मैंने चम्मच निकाला थोड़ा सा बड़ा सा और इसे अच्छे से भर करके दो चम्मच डाल दिया है यहाँ पर और इसे ठंडे दूध में अच्छे से आ, मिला लेंगे दूध ना हो तो आप ठंडे पानी में भी और नॉर्मल पानी में जो नॉर्मल टम्परेचर में है गर्म दूध का बस इस्तेमाल करे, ना करें ना गर्म पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि ये घुलेगा नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अच्छे से इसको घोल लिया है अब दूध में उबाल आ गया है तो धीरे धीरे करके इसे डाल देंगे बढ़िया से और ना कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि अचानक से थक के ना बनने लगे और बस इसे अच्छे से चला लेना है गाढ़ा होने तक पाँच मिनट तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे तो ये क्या है कि धीरे धीरे करके अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक मिनट के लिए पकाने के बाद इसे हम बंद कर देंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट ये बढ़िया से पक के तैयार हो गया है अब जितना मुझे चाहिए था जितना गाढ़ा उतना गाढ़ा हो चुका है बढ़िया सा और गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और थोड़ा सा फ़ैन चला दूँगी तो फटाफट से ठंडा हो जाएगा गर्मियों का दिन है तो थोड़ा टाइम लगता है ठंडा होने में ये सब चीज़ें और गैस बंद करने के बाद भी उसमें उबाल आ रहा था तो मैं कंटिन्यू चला ही रही थी और यहाँ पे मैंने ले लिया है बादाम तो बादाम को अच्छे से मैंने यहाँ पतला पतला सा कट कर लिया इस तरह का कटर है मेरे पास ना हो तो आप चाकू वगैरह से भी कट कर, कर सकते हैं तो इसे बहुत अच्छे से आप जितना बारीक करना चाहो उतना बारीक हो जाता है और यहाँ ईशू बहुत परेशान करता है जब भी मैं किचन में आती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है इसे कुछ भी खाने को दे दो वो छोड़ छोड़ के आएगा और किचन में ज़रूर मैं जो काम कर रही हूँगी ना आज इसने अपने कपड़े भी उतारे इसे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हुई हो ही रखी है ऐसा लगता है कि दिन में किचन में भी कूलर या ए चला लो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बट कैसे कैसे बेटे को हटाया और बस यहाँ पर मैंने अखरोट ले लिए थे वॉलनट्स तो उनको भी बारीक बारीक कट कर लूँगी आपको अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद है या कोई फ्रू फल वग़ैरह भी पसंद है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है और आप अपनी पसंद की कुछ भी चीज़ें भी डाल सकते हैं इसमें मतलब जो आप इसमें अलग से खाना चाह रहे हैं टूटी फूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी अच्छी लगेगी तो यहाँ ब्रेड मैंने ले लिया है आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रेड लग सकते हो ब्राउन ब्रेड या मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड का यूज़ किया है और जो इसके किनारे वाले एजेस होते हैं ना उनको हटा देंगे ये थोड़े सख्त होते हैं तो किनारे किनारे से हटाते जाएंगे इसको और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है इसको ऐसे नहीं फेंके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं इसका और न चाहे तो कढ़ाई में हल्का सा तेल वगैरह डाल करके प्याज़ वगैरह डाल करके शिमला मिर्च वग़ैरह जो भी सब्जियाँ डालने जाएँ और ये ब्रेड डाल दें तो एक बढ़िया सा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है इस ब्लॉग में मैं आपको कितनी सारी रेसिपीज़ दे दे रही हूँ आप इस तरह से बना के खाएँ फेंके नहीं इसे बड़े काम की चीज़ होती है और अच्छा भी लगता है खाने में तो ये सारे ब्रेड का जो किनारा होता है सारा सारा हट गया है बिल्कुल और यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का ही एक मेरे पास इस तरह से कंटेनर था उसे खाली कर लिया था और इसी में मैं बनाऊँगी मेरे पास कांच का नहीं है बहुत जल्द मैं ख़रीदने वाली हूँ और यहाँ पे जो कस्टर्ड है ना ये बिल्कुल अच्छा ठंडा हो गया है इसे ऊपर से डाल देंगे नीचे मैंने ब्रेड सेट कर दिया अच्छे से तो यहाँ पे करीबन मुझे ढाई ब्रेड का ही लगा था क्योंकि ये डिब्बा काफ़ी ज़्यादा छोटा था और इसके ऊपर मैंने डाल दिया यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो भी मैंने कट करे थे और यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल ऑप्शनल है यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा नारियल का पाउडर डाला है आप चाहो तो डालो कोई ज़रूरी नहीं है इसके बाद फिर से मैंने ब्रेड लगा दिया है उसके ऊपर फिर से मैंने जो ये कस्टर्ड बनाया था ना ये ऊपर से डाल दिया अच्छे से भर दिया चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है और यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी इलायची जो मैंने कूट करके रखी थी फिर मुझे लास्ट में याद आया तो मैंने लास्ट में डाला है इलायची ज़रूर डालें बड़ा बढ़िया सा टेस्ट आता और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना वो डाल दिया है यहाँ पर और यहाँ पर नारियल का जो मेरे पास पाउडर था वो डाल दिया है और अब इसके ऊपर से एक और कोटिंग चाहिए जिसके बिना ये अधूरा सा है बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैंने ले लिया है क्रीम आ, क्रीम ले लिया अमूल का जो नॉर्मल क्रीम आपको इज़िली मार्केट में मिल जाएगा और इसके बाद मैंने इसमें डाला है मिल्क मेड डाल दिया है और इसकी मिठास को बढ़ाने के लिए आप चाहो तो शुगर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं पीसी हुई शुगर का और से अच्छे से मिला लिया है बिल्कुल एकदम क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आ गया इसको ऊपर से डाल देंगे पूरा बढ़िया से और चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे और फिर से मेरा बेटा आ गया मिल्क मीट देखते इसे बहुत ज़्यादा पसंद है ये कई बार ब्रेड में भी लगा के ऐसे ही खा जाता है इसीलिए लिए आया इसे मैंने थोड़ा सा टूथपिक से अच्छे से दोनों को मिलाने की कोशिश करी बट इतने अच्छे से हुआ नहीं फिर इसके ऊपर से मैंने फिर से जो कस्टर्ड बनाया था वो डाला है अब इसे मिला दूँगी ना तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक लुक आ जाएगा इसमें सुंदर सा दिखेगा बिल्कुल तो एक ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करी है और ये साहब जी यहीं बैठ गए हैं ऊपर से फिर से मैंने इसमें नारियल का जो बॉर्डर था ना वो डाल दिया है चारों तरफ अच्छे से बस ये एक ना खूबसूरत दिखने के हिसाब से मैंने डाला है और बस इसे आप चाहो तो फ्रिज में या फ्रीजर फ्रिज में नॉर्मल रख सकते हैं चार से पाँच घंटे के लिए रखिए बहुत सेट हो जाएगा फ्रीजर में रखना है तो दो घंटे के लिए रखें इसके बाद निकाल लें निकालने के दस पंद्रह मिनट बाद ही खाएं तो यहाँ पे जो इलायची भूल गई थी ना वो मैंने ऊपर से डाली है तो हमने डेज़र्ट बनाया था वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है और मैंने जस्ट अभी निकाला है आप इसे चाहो तो जल्दी खाना है तो फ्रीजर में रख तो दो घंटे के लिए और इसे निकाल लो पाँच मिनट दस मिनट बाद ही इसे फिर निकाल के सर्व कर सकते हैं और फ्रिज में आप चाहो तो चार से पाँच घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दे तो फिर मैंने फ्रीजर में रखा था और बहुत ही बढ़िया सा सेट हो गया है तो कि देखते हैं कैसा बना है और ये बीच में ना मैंने रखा था तो यहाँ पर ईशू ने उंगली कर दी बाकी तो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लग रहा है खाने में देखते हैं कैसा इसे इसे निकालने की बारी तो इसे कट करके निकालते हैं और यहाँ पर यीशु ने बहुत ज्यादा ही परेशान किया बहुत ज्यादा ही ज्यादा परेशान किया और फिर बस मैंने इसे कट करके निकाल दिया है बाकी पीसेस जो बचेंगे दो पीसेस मैंने कट कर लिए थे एक बेटी के लिए एक बेटे के लिए और अभी ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ही ठंडा है तो अभी अच्छे से इसको कट कर देंगे तो फटाफट से कट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से पीसेस और सिक्स पीसेस में डिवाइड कर दिया आराम से खाते रहेंगे और ये बहुत ही बढ़िया सेट हो चुका है तो इसे थोड़ा खा के भी देखते हैं मेहनत के बाद बना है तो खाना तो बनता है खा के भी देखते हैं। पूरा खाया। मुझे नहीं खिला। पूरा ऐसा लग रहा है कि रस मलाई खा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया, tasty बनके तैयार हुआ बेटे आ, को भी खिला आ, देते हैं, आ, 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 क्योंकि उनको खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, 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 लो। लड़के ने दिखा दिया तो जी ये रेसिपी कैसी लगी डिज़र्ट की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप भी बना कर के, के खाएँ तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय